किसी जंगल में टोनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था और उसका एक पुत्र भी था। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था, साथ ही साथ उसी जंगल में एक सुंदर तोता भी रहता था। एक दिन चील महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया है सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? अवश्य बेटी, अवश्य। पहले तुम ये तो बताओ बेटी कि उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। जी पिताजी, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? ये बात सुनकर चील महाराज अपने सेनापति को एप्पल लाने का आदेश देता है और कहता है, सेनापति अभी जाओ और जाके एप्पल लेके आओ, मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल ला के देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल लेके आता हूँ। इस तरह महाराज के सेनापति एप्पल लाने निकल पड़ता है। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता है। तब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ पर कहीं भी एप्पल नहीं मिल रहा। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का बेटा अब क्या खाएगा? ये सोचते हुए सेनापति चील महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। महल में आकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर कहीं भी मुझे एप्पल नजर नहीं आया। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और बोला, क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति, पूरे जंगल में एक भी एप्पल पेड़ नहीं है। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चलेगा कि मैंने उसके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया तो वह गुस्सा हो जाएगा ना। महाराज और सेनापति बात कर रहा होता है, उसी दौरान महाराज का बेटा आ जाता है और कहता है, पिताजी, एप्पल आए हैं या नहीं? मुझे एप्पल दीजिए, खाऊंगा। अरे मेरी बेटी, गुस्सा क्यों करती हो? दरअसल बात यह है कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था, उसने पूरे जंगल में छान मारा पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए, अगर आपने मुझे एप्पल लाके नहीं दिया तो मैं इस महल से चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करके तुम एप्पल का जुगाड़ लगाओ। महाराज, ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज ने एप्पल लाने का आदेश किया है। ऐसा करने से कोई ना कोई एप्पल का जुगाड़ जरूर करेगा। तो फिर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो भी एप्पल ला के देगा उसे ज्यादा से ज्यादा उपहार दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति जंगल में ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। अगर किसी के पास है या कोई भी अगर महाराज को एप्पल देना चाहते हैं तो अभी जाकर महल में महाराज से मिले, एप्पल के बदले में उन्हें अनेक कीमती पुरस्कार दिया जाएगा। सेनापति की बात टोनी और उसके बच्चों के कान तक पहुंचती है। तब टोनी का एक बच्चा बोलता है, माँ माँ, क्या आपने सुना, महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है। चलो माँ, महाराज के पास चलते हैं और पुरस्कार लाते हैं। अरे बेवकूफ, पुरस्कार ऐसे ही थोड़ी देंगे, तुमने सुना नहीं, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी महाराज को एप्पल देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ये बात सुनकर टोनी का बेटा बोला, तो चलो ना माँ, हम लोग एप्पल लेके चलते हैं और पुरस्कार लेके आते हैं। लेकिन बेटा, एप्पल मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस जंगल में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। माँ, तो चलो ना महाराज के पास, पूरी बात सुन के आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई मालूम करना चाहिए, चलो जाके मालूम करते हैं कि आखिर बात क्या है। टोनी और उनके बच्चे महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाते हैं। धरचील महाराज के सेनापति फिर ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है।
जो भी कोई महाराज को एप्पल ला देगा उसे ढेर सारा पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात उसी जंगल में रह रहे तोते के कान में पहुंचती है। ये तो चील महाराज का सेनापति ऐलान कर रहा है। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी सच्चाई मालूम करता हूँ। ये सोचकर तोता महाराज के महल की तरफ रवाना होता है। सेनापति का ऐलान उसी जंगल के दुष्ट कौवा भी सुनता है। अरे वाह, महाराज पुरस्कार देंगे, ऐलान सुनकर मजा ही आ गया। ऐसा करता हूँ, महाराज के पास जाकर पूरी घटना पता करता हूँ। ऐसा सोचकर कौवा भी महाराज के महल की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ ही देर में महाराज के पास सभी पक्षी आ जाते हैं। महाराज, मैं पूरी बात समझा नहीं, आखिर बात क्या है? हाँ हाँ महाराज, तोता ठीक कह रहा है, आखिर बात क्या है? देखो पक्षियों, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। मेरा एक ही बेटा है और वह एप्पल खाना चाहता है। मैंने अपने सेनापति को एप्पल लाने जंगल भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा पर एप्पल उसे कहीं नहीं मिला। एप्पल नहीं मिलने पर मेरा बेटा गुस्सा कर लिया। तुम लोग कुछ भी करके एप्पल का जुगाड़ लगाओ। जो भी एप्पल ला कर देगा उसे ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, हमें अब एप्पल कहाँ मिलेगा? अगर मेरे पास एप्पल होता तो मैं अवश्य लाता। महाराज, मेरे पास भी एप्पल नहीं है। महाराज, मेरे पास भी नहीं है। सभी पक्षी बात कर रहा होता है, तभी महाराज का बेटा आ जाता है और बोलता है, पिताजी पिताजी, एप्पल लाए हैं। देख रहे हो तुम लोग, मेरा बेटा एप्पल खाने के लिए कैसे मुझसे आग्रह कर रहा है। मेरे पास इतना धन दौलत होते हुए भी मैं अपने बेटे के लिए एप्पल नहीं ला पा रहा हूँ। महाराज की ये बात सुनकर टूनी महाराज के बेटे को समझाते हुए बोलती है, सुनो राजपुत्र, तुम बहुत बड़े धनवान के बेटे हो, हर समय जिद करना ठीक नहीं है। सब कुछ हर समय पर नहीं मिल पाता, हर चीज का एक समय होता है। अगर आप मुझे एक महीने का समय दें तो मैं तुम्हारे लिए मेरे खेत में एप्पल का पेड़ लगाकर उसमें एप्पल उगाऊंगी, तब मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाऊंगी। टूनी चिड़िया की मीठी मीठी बात सुनकर राजपुत्र ने कहा, ठीक है आंटी, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जब तब कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपको एक महीने का समय देता हूँ। आप मुझे एक महीने के बाद एप्पल लाकर दोगी ना आंटी? जरूर, आप बस एक महीने का इंतजार कीजिए। इस तरह महाराज के बेटे ने टूनी को एक महीने का समय दिया। वाह टूनी वाह, तुमने तो मेरे बेटे को आसानी से समझा दिया। कौवा तब मन ही मन कहता है, अरे वाह, टूनी तो बहुत चालाक है, ये तो खुद ही इनाम लेना चाहती है, होने नहीं दूंगा। तब कौवा महाराज से कहता है, महाराज, आप मुझे भी एक महीने का समय दीजिए, मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम्हें भी समय दिया जाता है। ये बात सुनकर तोता बोलता है, महाराज, तो फिर मैं क्यों बाकी रहूं? मुझे भी एक महीने का समय दीजिए, मैं भी आपके बेटे के लिए एप्पल उगा कर लाऊंगा। ठीक है, तुम तीनों को एक महीने का समय दिया जाता है, तुम तीनों एप्पल उगाओ, जिसका एप्पल मेरा बेटा पसंद करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घोंसले चले जाते हैं। इधर टूनी और उनके बच्चे अपने खेत में हल चलाने लगते हैं। खेत की जुताई हो जाने पर टूनी बोलती है, सुनो मेरे बच्चों, महाराज ने कहा है कि मुझे एक महीने में एप्पल उगा कर ले जाना होगा। अगर हमने एप्पल उगा कर दे दिया तो हमें पुरस्कार दिया जाएगा, अन्यथा हमें सजा भी मिल सकती है। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी पूर्वक एप्पल का पेड़ उगाना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, ऐसा ही होगा, लेकिन माँ, हम लोग एक महीने में एप्पल कैसे उगाएंगे? एप्पल उगने में तो हमें एक महीने से ज्यादा समय लगेगा ना? तुम ठीक कह रहे हो बेटे, हम लोग बारहमाही एप्पल का पेड़ लगाएंगे। बारहमाही एप्पल का पेड़ जल्द ही बड़ा हो जाता है और फल देने लगता है। ठीक है माँ, हम लोग बाजार चलते हैं। ऐसा कहते हुए टूनी अपने बच्चों के साथ बाजार की ओर बीज लाने चली जाती है। कुछ देर के बाद टूनी बीज लेके आ जाती है और अपने खेत में बो देती है और अपने घोंसले में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब टूनी अपने खेत पर आती है तो छोटे छोटे एप्पल के पेड़ उसे नजर आते हैं। तब टूनी अपने बच्चों के साथ
खेत की सिंचाई करती है और समय समय पर उचित खाद भी डालती रहती है। उधर तोता भी खेत की जुताई करता है। खेत की जुताई हो जाने पर खेत तो जोत दिया हूँ, अब बाजार जाता हूँ और बारहमाही एप्पल का पेड़ ले आता हूँ। ये कहकर तोता बाजार की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद तोता एप्पल का बीज लेकर आता है। बीज लाकर तोता अपने खेत में बो देता है और अपने घोंसले में चला जाता है। दो तीन दिन बाद जब तोता अपने खेत में आता है तो छोटे छोटे एप्पल के पेड़ देखता है। अरे वाह, मेरे खेत में कितना अच्छा एप्पल का पेड़ उगा है, पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। ऐसा करता हूँ, आज पूरे दिन खेत की सिंचाई करता हूँ ताकि टुनी और कौवा से पहले मेरा एप्पल पेड़ बड़ा हो जाए। तोता पूरे दिन अपने खेत में पानी डालता रहता है। पूरे दिन पानी डालने के बाद तोता अपने घोंसले में चला जाता है। अगले दिन जब तोता अपने खेत में वापस आता है तो वह देखता है कि सारा एप्पल का पेड़ ज्यादा पानी डालने की वजह से गिर गया है। यह देखकर तोता का मन खराब हो जाता है और वह रोने लगता है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? ओहो, ज्यादा पानी देने की वजह से पेड़ गिर गया है, मुझे ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए था। उधर कौवा भी अपने खेत की जुताई करता है। खेत जुताई के बाद कौवा बोलता है, अब जाता हूँ और बाजार से बारहमाही एप्पल का पेड़ ले आता हूँ ताकि जल्द से जल्द एप्पल का पेड़ बड़ा हो जाए। यह कहकर कौवा बाजार की तरफ जाता है। कुछ देर बाद कौवा बीज लेकर आता है और कौवा अपने खेत में बीज बो देता है। बीज बोने के बाद कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन के बाद जब कौवा अपने खेत में आता है तो वह देखता है कि उसके खेत में छोटे छोटे एप्पल के पेड़ उग गए हैं। तब कौवा खुशी से बोलता है, अरे बल्ले बल्ले, मेरा एप्पल पेड़ उग गया है। फिर कौवा अपने खेत की सिंचाई करता है। कौवा हर रोज उचित मात्रा में पानी तो डालता है लेकिन बुद्धू खाद नहीं डालता। कुछ दिन बीत जाने के बाद टुनी अपने बच्चों के साथ खेत पर जाती है तो वह देखती है कि एप्पल का पेड़ बड़ा होकर उसमें एप्पल लग चुका है। तब टुनी का एक छोटा बच्चा टुनी से बोलता है, माँ माँ, देख रही हो कितना एप्पल हुआ है। मेरे बच्चों, महाराज ने एक महीने का समय दिया था और कल एक महीने पूरा होगा, इसलिए कल सुबह महाराज के पास एप्पल तोड़कर ले जाएंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर टुनी और उसके बच्चे अपने घोंसले चले जाते हैं। और उधर कौवा अपने खेत में आता है तो देखता है कि उसके खेत में बड़े बड़े एप्पल लगे हुए हैं। तो कौवा एप्पल को देखकर खुशी खुशी कहता है, अरे बल्ले बल्ले, मेरे पेड़ में एप्पल लगे हैं। तभी उसे टुनी और तोते के बारे में याद आता है कि टुनी और तोता ने भी तो एप्पल उगाया था। तब कौवा कहता है पहले जाते हैं और तोते के खेत में देखते हैं कि उसके खेत में एप्पल उगा है या नहीं। यह कहकर कौवा तोते के खेत की तरफ जाता है। कुछ देर बाद कौवा तोते के खेत में पहुंचता है तो देखता है कि तोते के खेत में एक भी एप्पल पेड़ नहीं है। अरे ये क्या, तोते की जमीन पर तो एक भी एप्पल पेड़ नहीं है, मतलब तोता एप्पल उगाया ही नहीं। हाँ, अच्छा ही हुआ कि उसने एप्पल नहीं उगाया। हाँ, मेरे एक प्रतियोगी तो गया काम से। ऐसा कहकर उसे टुनी की याद आ जाती है। चलो टुनी के खेत में देखते हैं, टुनी के पेड़ में भी एप्पल हुआ है या नहीं। ऐसा कहकर कौवा टुनी के खेत की तरफ जाता है। कौवा टुनी के खेत में देखता है कि टुनी के खेत में अनेक एप्पल लगे हुए हैं। वह एप्पल देखकर कहता है, हाय हाय, इसने तो अनेक एप्पल उगा लिए। कौवा अपने दुष्ट बुद्धि से सोचता है, एक काम करते हैं, टुनी के एप्पल्स बाजार में बेच देते हैं,
कल सुबह सुबह सिर्फ मैं महाराज के पास एप्पल ले जाएंगे, तब तोता को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा और टुनी को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा, सिर्फ मुझे ही पुरस्कार मिलेगा। ये कहकर कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ देर बाद कौवा का एक बोरी ले आता है और उसके बाद एक एक करके सारा एप्पल तोड़ लेता है और बोरी में भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। और इधर टुनी महाराज के पास एप्पल ले जाने के लिए अपने खेत में एप्पल तोड़ने आती है, तो वह देखती है कि उसके पेड़ में तो एक भी एप्पल नहीं है, जिससे टुनी उदास होकर बोलती है, हाय हाय, इतने सारे एप्पल कहाँ गए? अगर मैं महाराज के पास एप्पल लेकर नहीं गई तो वह बुरा मान जाएगा और गुस्से में आकर मुझे सजा भी दे सकता है। माँ मत रोइए, चलिए हम लोग महाराज से माफ़ी मांग लेते हैं। हम लोग बोलेंगे कि हमने एप्पल तो उगाया था, पर जब हम लोग एप्पल तोड़ने गए तो वहाँ एक भी एप्पल नहीं था। ये कहकर टुनी और उसके बच्चे महाराज के दरबार में जाने लगते हैं। टुनी, तोता और कौवा महाराज के पास चले जाते हैं। फिर कौवा राजपुत्र से कहता है, राजपुत्र, मेरे एप्पल एक बार खा कर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तब राजपुत्र चील एक एप्पल उठाकर खाने लगता है। थू थू थू, ये कोई एप्पल है? ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपका एप्पल बहुत बेकार है कौवा अंकल। ये क्या कह रहे हो राजपुत्र, मैं कितनी मेहनत से इसे उगाया है। तब कौवा को याद आया कि सिर्फ सिंचाई करने से क्या होता है, अगर समय पर अच्छे ढंग से खाद ही नहीं दिया हो। मैं तो एप्पल उगाते समय खाद देना ही भूल गया। एप्पल तो ठीक ठाक बड़ा हुआ लेकिन उसमें स्वाद ही नहीं आया। और इधर महाराज देखता है कि तोता उदास खड़ा है और उसके पास कोई भी एप्पल की टोकरी भी नहीं है। तब महाराज चील ने कहा, क्या तोते, तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैं अपने खेत में बाजार से बीज लाकर बोया था, पर एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरे खेत में छोटे छोटे एप्पल का पेड़ हुआ है। फिर मैं पूरा दिन पानी देकर अपने घोंसले में चला गया। अगले दिन मैं जब सुबह सुबह खेत में देखा तो मेरे सारे एप्पल पेड़ ज्यादा पानी देने की वजह से मर गए हैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके बेटे के लिए एप्पल्स नहीं ला पाया। तभी चील महाराज ने देखा कि टुनी एक कोने में रो रही है और उसके सामने एप्पल का कोई भी टोकरी नहीं है। क्या हुआ टुनी, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा एप्पल कहाँ है? महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं एप्पल ना ला सकी। क्यों टुनी, क्या तुम अपने बच्चों के साथ मिलकर सारे एप्पल खा ली है? देखो कौवा भाई, मजाक मत करो, मैंने एप्पल उगाई थी, पेड़ में अच्छे अच्छे एप्पल भी लगे थे, लेकिन जब मैं सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ पेड़ तो थे पर उस पर एक भी एप्पल नहीं था, इसीलिए मैं एप्पल नहीं ला सकी। झूठ मत बोलो टुनी, तोते की बात तो सच लगता है क्योंकि उसका पेड़ बड़ा होने से पहले ही नष्ट हो गया, किंतु तुम्हारे पेड़ में एप्पल भी लगा था, पर अब कह रही हो कि पेड़ है पर एप्पल नहीं है। एप्पल गया कहाँ? तुम्हें याद है ना टुनी, तुमने अपने बातों से मेरे बेटे को यकीन दिलाई थी, पर अब तुम एप्पल ना ला सकी, अब तो तुम्हें सजा जरूर होगी। महाराज, मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए, मेरे एप्पल पेड़ पर फिर से एप्पल फलेगा, तब मैं एप्पल ले आऊंगी। मुझे और कुछ दिनों का समय दीजिए महाराज। पिताजी, आपने तोता, कौवा और टुनी तीनों को एक साथ एप्पल उगाने कहा था, इस बार तोता ने तो एप्पल उगा ही नहीं पाया, कौवा ने उगाया पर उसमें स्वाद ही नहीं, टुनी का एप्पल शायद चोरी हो गया, इसीलिए टुनी को एक बार फिर से एप्पल उगाने दिया जाए, उसका एप्पल टेस्ट करने के बाद ही उसे सजा या पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है टुनी, तुम्हारे पेड़ में फिर से एप्पल फल